नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नॉलेज की सीरीज में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो यूपीएससी और आईएएस के इंटरव्यूज होते हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी के काम के हैं, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू लेवल पर ये आपकी बहुत मदद करेंगे और उसके साथ के साथ ये आपके ज्ञान को भी बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन यहां अवेलेबल है। आपके पास दो गाय है, आपके पास दो गाय है और चार बकरी है, तो आपके पास कुल कितने पैर हुए। अब इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो दो गाय तो इनके हो गए आठ पैर, ठीक है जी, और ये है चार बकरी, इसके हो गए कितने, सोलह पैर। तो आठ और सोलह तो चौबीस हमारे पास यहां पर पैर हो जाते हैं। ये इस तरीके से आप सोचेंगे जो कि बिल्कुल गलत है। तो देखिए इसका क्या उत्तर है, आपको ध्यान से सवाल देखना पड़ेगा कि आपके पास जरूर दो गाय है और चार बकरी है, लेकिन उसने पूछा आपके पास कितने पैर है। तो जी आपके पास तो दो ही पैर है, तो इसका जो उत्तर है वो है दो पैर। फिर इसके बाद हमारे पास है बंदूक की गोली की स्पीड बताइए कितनी होती है। तो अगर हम इसे बताएं तो ये है 2500 फीट एक सेकंड में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1700 मील एक घंटे के अंदर ये होती है गोली की स्पीड। बहुत तेज होती है, घूमती हुई जाती है, एकदम उस जगह को पूरा सा चीर देती है, फाड़ देती है, जला देती है, वहां के टिश्यूज पूरे डैमेज कर देती है, रास्ते में अगर हड्डी आए तो उसको भी तोड़ देती है। अगला सवाल है वो क्या है जिसे आप अपने दाएं हाथ से छू नहीं सकते। अब आप सोचेंगे ये मेरा दाया हाथ है, अब मैं इससे ये नहीं छू सकता वो नहीं, क्या ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं छू नहीं सकता। तो आप थोड़ा सा वाइजली सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से तरीके से सोचिए। तो ये हाथ है, अब क्या आप इससे अपने इसी हाथ से ये वाला हिस्सा छू सकते हैं, या फिर इसी हाथ से आप अपनी ये वाली कोहनी छू सकते हैं। जी नहीं, तो यही इसका उत्तर है। इसके बाद अगला है वो क्या है जिसके पास जितना होगा उतना ही कम दिखाई देगा। आपके पास वो चीज जितनी ज्यादा होगी आपको वो उतनी ही कम दिखाई देगी। तो इसका जो उत्तर है वो है पैसा। ऐसा आप सोच सकते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसको उतना ही कम लगता है, लेकिन सवाल को ध्यान से देखिए कि वो कम दिखने की बात कर रहा है ऐसा अचल में, जैसे हम आंखों से देखते हैं कम दिखने की बात कर रहा है। तो इसका जो उत्तर है वो है अंधेरा। आपके पास जितना ज्यादा अंधेरा होगा आपको चीजें उतनी ही कम दिखाई देंगी, आपको उतना ही कम दिखाई देगा। तो शब्द जो होते हैं इन सवालों में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है काली मौत, काफी अच्छा सवाल है ये। काली मौत किसे कहा जाता है? जो काली मौत कहा जाता है दोस्तों वो है एक बीमारी जो है प्लेग, जो कि फैली थी लगभग 1346 से लेके 1353 के बीच, और ये बीमारी 10 साल तक रही थी। ये होती है असली महामारी जिसके अंदर देखिए 20 करोड़ के करीब लोग मरे थे। तो इस बीमारी को कहा जाता है काला मौत, या इसे काली बीमारी भी कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सोते समय मुंह से लार क्यों निकलती है? ये जो लार होती है हमारे मुंह में, जो ये पानी बनता रहता है जिसे सलाइवा भी बोलते हैं, तो ये हमारे मुंह में क्यों बनती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो हमारा शरीर है ना दोस्तों, ये अपने आप में एक परफेक्ट मशीन है। प्रकृति ने इसमें जो कुछ भी बनाया है, जैसे बनाया है, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है। अभी जो लार होती है ये क्या काम करती है? ये जो लार होती है ये हमारे पेट में जाती है और खाने को पचाने का काम करती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एंटी फंगल भी होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। अगर जैसे आपके चोट वोट लग जाए, कहीं फंगस हो जाए, जैसे कहते हैं कहीं दांत खाज खुजली वगैरह भी हो जाए, तो ये उस पर भी काम करती है। सुबह सुबह उठकर जो आपके मुंह में पहला सलाइवा है उसे आप उस जगह पर लगा लीजिए, तो ये बहुत ही काम की चीज होती है।
तो ये जो सलाइवा मुंह में बनता है ये जब पेट में जाता है तो ये खाने को पचाता है। अब इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो पानी है वो घूट घूट करके पीना चाहिए, एक बार में घटक लेना नहीं चाहिए। इस धरती पर जितने भी जानवर हैं वो सब घूट घूट ही पानी पीते हैं, थोड़ा थोड़ा ही पानी पीते हैं। एक बार में घटकने वाला जानवर तो सिर्फ एक ही है, इंसान। तो अगर आप एक बार में वो पानी मुंह में पी लेंगे पूरा पेट में चला जाएगा तो पानी का सलाइवा पेट में नहीं जाएगा, तो घूट घूट करके पानी पीते हैं ताकि वो सलाइवा मैक्सिमम पेट में जाए और खाने को पचाने का काम करे। अब बात करते हैं कि ये रात को जो मुंह में सलाइवा बनने वाली बात है, हमारी बॉडी जानती है अब रात को आप सो गए हैं, अब सो गए हैं तो जो पेट में खाना है वो कैसे हजम होगा, उसको कैसे डाइजेस्ट करेंगे। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर हमारे मुंह में सलाइवा थोड़ा ज्यादा बनता है। कब और ज्यादा बनता है, जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं या करवट पर सो जाते हैं तो ये जो हमारे अंदर के जो ये गाल के मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो ये सलाइवा ज्यादा रिलीज करते हैं। अब इन बिटवीन अगर आपका मुंह थोड़ा सा भी खुला रह गया तो वहां से ये लार जो है मुंह से गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर मुंह खुला नहीं रहा तो उससे क्या होगा, ये जो सलाइवा होगा ये आपके पेट में जाएगा ज्यादा से ज्यादा और सोते समय भी ये आपके खाने को हजम करेगा। तो देखिए कितने काम की चीज है ये। फिर है खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो हजारों सालों तक भी खराब नहीं होती, इसे आप हजारों सालों तक स्टोर करके रख लीजिए और ये खराब नहीं होने वाली है। अब आप सोचते रहिए कि ऐसी कौन सी चीज हम बना सकते हैं कि जिसे हम हजारों सालों तक रख सकते हैं, या ऐसी कोई टेक्निक जिससे हम किसी भी चीज को हजारों साल तक रख सकते हैं, जैसे मम्मीज को रखा जाता था। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम बना सके, वो है क्या प्रकृति ने बनाया है और वो है शहद। शहद को आप हजारों सालों तक रख लीजिए और वो शहद खराब नहीं होगा। अभी पिछले दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहा शहद के, ये जो जितनी भी कंपनीज हैं ये सब मिलावट करती हैं और शहद जो है वो इनका असली नहीं होता है। तो अगर आप असली शहद की पहचान करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आप एक गिलास में पानी लीजिए, कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी लीजिए और शहद की एक बूंद आप उसके ऊपर डालें। अब अगर वो इस तरह से तार बनाता हुआ नीचे बैठ जाता है तब वो आपका असली शहद है, अगर उसके अंदर चीनी होगी तो वो पानी में घुल जाएगी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो शहद है उसे आप कपड़े पर लगाकर देखिए, तो कपड़े पर आ जाएंगे और तो उस पर छुटाएंगे तो वो आराम से छूट जाएगा, लेकिन अगर वो चीनी वाला होगा तो वो वहीं पर ही चिपक जाएगा। और आपको एक बड़ी मैं इंपॉर्टेंट शहद के बारे में बात बता दूं कि जो शहद होता है इसे आप आंख में भी लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसी पागल वाली बात कर रहा है भाई, आंख में लगाएंगे शहद तो ये चिपक जाएगा, जी लगा जी नहीं, ये ऐसा प्रकृति का बनाया हुआ एक ऐसी मीठी चीज है जो चिपकती नहीं है। तो शहद को अगर आप आंख में भी लगा लेंगे तब भी उससे आपकी आंखें नहीं चिपकेंगी। शहद के बारे में और भी आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अभी हम चलते हैं हमें अगले सवाल की तरफ। आपके पास एक हाथ में तो 1 किलो लोहा है और दूसरे हाथ में आपके पास 1 किलो ही रुई है, तो बताइए इनमें से आपका कौन सा हाथ ज्यादा भारी होगा। एक हाथ में 1 किलो लोहा, एक हाथ में 1 किलो रुई, अब इसमें से कौन सा जो आपका हाथ है ज्यादा भारी होगा। अब जनरली हमारे दिमाग में आता है कि भाई लोहा, लोहा क्योंकि भारी चीज है तो इसलिए हमारा जो लोहर वाला हाथ है वो ज्यादा भारी हो जाएगा भाई। लेकिन आप उस प्रोडक्ट को, उस आइटम को, उस आर्टिकल को मत देखिए, आप वेट देखिए, वेट दोनों का ही बराबर है। ये भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है। अब ये चाहे रुई हो, चाहे यही सोना हो, चाहे लोहा हो, चाहे कागज हो, कुछ भी हो, वेट दोनों का बराबर है, तो कोई भी कम या ज्यादा नहीं होगा, दोनों बराबर ही होंगे। अगला सवाल, एक रुमाल का अगर हमने एक कोना काट दिया तो उसमें कितने कोने शेष बचेंगे। 4 कोने होते हैं रुमाल के अंदर, एक कोना काट देंगे तो 3 कोने शेष बचेंगे, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन एक बार जरा इसे ध्यान से देखिए, ये आपका एक रुमाल है, इसका ये एक कोना काट दिया। अब जब इसका ये कोना काट दिया तो अब देखिए इसके अंदर आपको कितने कोने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो उत्तर है वो है 5 कोने, यानी एक कोना काटने पर 2 कोने बढ़ गए, है ना मजेदार, है ना मजेदार। अगला सवाल काफी ज्यादा हमें जो है वो अचंभे में डालने वाला है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि 5 सेकंड के लिए
पृथ्वी से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? इस धरती पर ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, बस इतनी सी देर, सिर्फ इतनी सी देर में पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? तो आप सदस्य इसका जवाब दे देंगे कि भाई हम लोग मर जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से सवाल नहीं देना है, ये कोई ऐसा ऐसा इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा जा रहा है तो उसके अंदर जरूर कोई ना कोई खास बात होगी। तो आपको यहां पर थोड़ा डिटेल्ड आंसर देना है कि 5 सेकंड में क्या क्या हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको अब 5 सेकंड के अंदर क्या क्या इस धरती पर हो जाएगा। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो 15 से 20 किलोमीटर तक नीचे जमीन में बैठ जाएगी, क्योंकि जो ये धरती है, धरती के नीचे आयरन प्लेट्स हैं और आयरन प्लेट्स हैं उनके बीच में हवा भी है, पानी भी है, लावा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो जो एक प्रेशर है जिसके वजह से प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स और इतनी सब लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा, जमीन धड़ाम से एकदम से नीचे बैठ जाएगी, जिसे आप भूकंप वगैरह का भी नाम दे सकते हैं। दूसरी चीज ये होगी कि जितने भी आयरन है, जितना भी लोहा यहां पर है, जैसे ये 2 आयरन प्लेट्स है, कोई भी 2 लोहे के टुकड़े हैं, ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से चिपक जाएंगे। आप सोचिए कि जितना भी लोहा हमारे आसपास अवेलेबल है वो सारा का सारा एक दूसरे से ऐसे बिना किसी बात के जबरदस्त चिपक जाएगा, जो कि बहुत ही एक खतरनाक स्थिति है। इससे भी खतरनाक चीज जो आपका दिल दहला देगी वो होगी, अगर 5 सेकंड के लिए धरती पर से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स है, कोशिकाएं हैं, आप जानते होंगे इतना कि हमारी हर चीज जो है वो बहुत छोटी 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 कोशिकाओं से बनी होती है। उन कोशिकाओं को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो सारी फूलने लगेगी। एक एक कोशिका सोचिए ऐसे करके फूलने लगेगी, इस तरह से फूलेगी और फट जाएगी, और उसका क्या नतीजा होगा? एट लास्ट, अब आखिर में आप बोलिए, इस धरती पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लाया, जो IAS और UPSC के क्वेश्चंस के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे गए। और इसी तरह की मैक्सिमम वीडियोस, बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।